पहली बार निकिता को मैं ऐसे पेंडिंग करते हुए देख रहा हूँ लाइव, जो ना मस्त बना रही है। मैं वहां से वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह से मैंने व्लॉग एडिट किया और थोड़ा बहुत काम कर रहा था अपना पेंडिंग वर्क, तो अभी भी कर ही रहा हूँ मैं बस। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट ही कर देते हैं क्योंकि कल भी काफ़ी लेट कर दिया था स्टार्ट, तो करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट। लेट सो आज था मेरे रुकी जाने का प्लान बट वो कैंसिल हो गया बिकॉज एक काम आ गया शूट के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ आज। तो कल शायद, कल तो पक्का जाना ही पड़ेगा रुकी, कुछ और काम भी है वहाँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी फ्रेंड एक आर्टिस्ट है तो वो वॉल पेंटिंग्स कर रही है यहीं शहजधारा के आसपास, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ और आपको भी दिखाते हैं। ये देखो, ये सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई है, मेरी फ्रेंड और उनके जो टीममेट्स हैं, और अभी वो यहीं कहीं होंगी, आगे बना रही होंगी क्योंकि यहाँ पे सारी रोड नहीं बनी है, तो यहाँ पे वॉल आर्ट चल रहा है सबका। और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, काफ़ी सही लग रहा है ये, अब मतलब देहरादून काफ़ी अच्छा लगेगा, हर जगह पेंटिंग्स दिख रही है। तो देखते हैं अभी फ्रेंड कहाँ पे है हमारे। और ये लोग यहीं कहीं पे कर रहे हैं परंपरा ने टावर पे, और वो रही मेरी फ्रेंड, देखना आर्टिस्ट। तो मिल गई हमको फ्रेंड फाइनली, ये देखना आर्टिस्ट और आर्ट, ये भी तुमने बनाया? हाँ भाई, एकदम आज पूरे अपने प्रोफेशन में। और ये बन रहा है अभी पहाड़न। अच्छा, तो कब से कर रहे हो तुम ये काम? कब से कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया। हाँ, मतलब आज कब से कर रहे हो? आज से सुबह कर रहे थे हम लोग, 10:30 से। अच्छा, 10 बजे से 9 बजे से करते हैं ये लोग, हम थोड़ा लेट। आज पहली बार निकिता को मैं ऐसे पेंडिंग करते हुए देख रहा हूँ लाइव, जो ना मस्त बना रहे हैं। मैं वहाँ से देख के आ रहा हूँ, वहाँ से भी तुमने बनाया ना पीछे से? काफी आगे। हाँ, बढ़िया लग रहे हैं ये देखो। और ये जिनने जो उत्तराखंड से, वो तो इनको जानते होंगे, ये नॉन करेक्टर है लाठी आर्ट, और उन्हीं को ये ओरिजिनली बना रहे हैं हमारे आर्टिस्ट भाई। कितनी बड़ी हो गया यहाँ से पैकअप, अभी पेंट वगैरह रख रहे हैं। सो ये है, ये अभी जा रहे हैं पैकअप करके, बट जो भी इन्होंने इस रोड पे जितनी भी पेंटिंग्स हैं इनकी टीम ने बनाए हैं पूरी, और देख सकते हो आप देहरादून में जहाँ भी पेंटिंग्स बनी है तो मतलब इन्हीं की टीम ने बनाई है सारी, और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी भी लग रही है पेंटिंग्स पूरी अक्रॉस द देहरादून। तो आप इनको, अगर किसी को पर्सनली कुछ अपना आर्ट वर्क करना है तो वो मेरी फ्रेंड निकिता है जिसको मैंने आपको दिखाया अभी मिलवाया, तो उससे भी कांटेक्ट कर सकती है। और अभी चलता हूँ मैं, उसकी दूसरी पेंटिंग दिखा रही है वो अपनी, तो वहाँ बुला रही है, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी पेंटिंग। और ये देखो वो वाला बोल रहे हैं अर्पन वाला, जो ये कुआवनी वाला होता है ना? नहीं, तो बर्ली है। अच्छा, ये महाराष्ट्र का है अर्पन, तो वाला होता है क्या बोलते हैं कुमाऊं वाला, देखना कितने मस्त लग रहे हैं यार फूल, है ना कि ठीक, ये भी वही वाला है ये, पर ये लाठी आर्ट का नहीं है ये जो कैरेक्टर है, ये लाठी आर्ट कैरेक्टर नहीं है बट ये हमने ने कंपोज किया। अच्छा, ले लेना ये जो क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर है वो लाठी है, लाठी का लिया गया है, लेकिन जो बाकी चीजें है हमने उसमें सिर्फ एड ऑन किया है। अच्छा, तो ये तो पूरे लाठी के कैरेक्टर से है, चिपको आंदोलन जो की जो उत्तराखंड से, उनको पता ही है इसके बारे में। कब हुआ था ये पता है तेरे को कुछ? ईयर नहीं पता, लेकिन पेड़ बचाने के लिए लोग, पेड़ बचाओ के लिए आंदोलन था ये। ये है दूसरा आर्ट वर्क जो ये टीन के शेड में बनाया हुआ है, क्या बोल रही है? इसमें भी बाकी है काम। हाँ, बॉर्डर बना के आउटलाइन में लगी है, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। इस पे बॉर्डर बनानी है, आउटलाइनिंग करनी है, तो काम बाकी है, बाकी वो वाला कंप्लीट। फ्लावर्स ना, और ये भी तुमने बनाया ना? इसको कौन सी पेंटिंग्स बोलते हैं? ये मधुबनी में आ सकता है, बाकी जो मेहंदी डिजाइन कहाँ कहाँ होता है? तो अभी हम पेरेंट जूस, यहाँ पे जूस शॉप पे, अभी ये जा रहे हैं आर्टिस्ट लोग
घर को जा रहे हैं अपनी मजदूरी करके मजदूरी नहीं आर्ट बना के। सही बात है, सही बात। मजदूरी अलग चीज होती है, ये होता है आर्ट। ठीक है, अपना टैलेंट शो करते हैं। वही तो, आप लोग जरूर देखिए। कॉन्टेक्ट फॉर क्या 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 बना दो तुम? हम लोग सब चीजें बनाते हैं, मतलब क्या क्या, फिर भी स्पेशलिस्ट जो आपको पसंद हो। ओके, पर्सनलाइज पेंटिंग्स है नहीं कुछ भी। तो डीएम निकिता रावत, ठीक है, बाय बाय बाय। सो अभी हम आए थे बाहर, दिगंबर भी आ गया था और हम आए खाना लेने, क्योंकि आज हम दोनों ही फ्लैट पे। और हमें यहाँ दिखी रामलीला, जैसे रुड़की में चल रही है ना, ये देखो यहाँ भी रामलीला हो रही है, स्लो मोशन में लड़ाई हो रही है। तो आ गए हम वापस फ्लैट पे घूम फिर के और दूध लेके। हाँ भाई, सो गाइस आज हम बजाने वाले हैं गिटार। कैसे बताते हैं, बजाते आता नहीं है, पर प्रियंका से पूछना। प्रियंका सुनाइए आज बनाएंगे। नहीं, हमें नहीं आएगा टेंशन। देखो, हमें कुछ नहीं आता है, हमें तो पकड़ना भी नहीं आ रहा है। ऐसे क्या 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 रखता है ऐसे क्या मेरा गाना सुन के हो जाते हैं लोग तो भाई सुर आ गए भाई रखते ही। ओ भाई बेस भी आ रहा है। अपना फेवरेट गाना गा दे अब। अपना फेवरेट गाना कौन सा? कोई सा भी। अबे तेरा फेवरेट गाना कोई सा भी? नहीं यार, फेवरेट तो कोई। निंजा हथौड़ी आ गया है पहाड़ियों के पार। निंजा तेरे संग पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार निंजा हथौड़ी आ गया। दिगंबर सर कुछ सुनाएंगे हमें गा के। सर क्या सुनाने वाले हो आज हैं? क्या सुना सुना सुना, हो जाए हो जाए। बताओ कौन सा गाना है, बता शुरू कौन सा गाना है। अरे टाइम पास मत कर भाई, इतना टाइम नहीं है। अरे बजाने आता तो क्या ही बात। आपसे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।